हाइपोवेलेंट एंड हाइपरवेलेंट कंपाउंड, हाइपोवेलेंट एंड हाइपरवेलेंट कंपाउंड। देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि वेलेंट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो हाइपोवेलेंट कहलाएगा, और 8 से ज्यादा आते हैं तो वो हाइपरवेलेंट होगा। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वेलेंस सेल, अगर वेलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो कंप्लीट ऑक्टेट, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब हाइपो या हाइपर के केस में उसको आपको नहीं रखना, ठीक है ना। देखो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, अगर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे उसको हाइपर वैलेंट, उसको क्या कहोगे, हाइपर वैलेंट। समझ में आ रहा है। और देखो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, अगर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या कहोगे, हाइपोवेलेंट, उसको कहोगे हाइपोवेलेंट। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, जैसे यहां पर कुछ केस बना रहा हूं, जैसे हम बात करें भाई CH4 के, CH4 ये हो गया HCHHH, देख कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं ना, होते नहीं होते, और 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने में दे दिए, मतलब कोई लोन पेयर कुछ तो होगा ही नहीं होगा ना। अब देखो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें कितने 2, इसमें कितने 2, इसमें कितने 2, तो कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब ऑक्टेट देखोगे तो आपको बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट काउंट करने, कोई लोन पेयर वगैरह कुछ है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी आपको काउंट करना, 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो ये तो गया कंप्लीट ऑक्टेट, समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। जैसे बना नेक्स्ट केस लिया, BF3 ले लिया, देखो BF3 है, F, B, F और F, देखो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाने में दे दिए इसने, दे देना, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, नहीं बचा, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2 इस बॉन्ड के, 2 इसके, 2 इसके, कितने हो गए, 6 हो गए ना, तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये कौन सा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, मतलब हाइपोवेलेंट होगा, समझ में आ रहा है सबको। देखो नेक्स्ट केस, जैसे यहां पर ले, सपोज कर हमने लिया PCl5, देखो PCl5 फॉस्फोरस, देखो Cl, 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 Cl और Cl, देखो फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना थे, 5 होते हैं ना, नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 पे तो 2 इसमें, 1 इसमें गया, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, हो गए ना, इसके बाद इसका मतलब इस पे कोई लोन पेयर या कुछ भी नहीं है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 2, 2, 2, 2, टोटल 10 हो गए, 5 बॉन्ड है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके वैलेंस सेल में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। देखो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहे हैं, नहीं आ रहे है ना, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा होगा, हाइपर वैलेंट, तो ये होगा हाइपर वैलेंट। समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। देखो नेक्स्ट केस, जिसे मैंने लिया SF6, देखो यहां पर ये केस हो गया SF, F, 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 देखो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, ऑक्सीजन फैमिली का है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनाने में गए, कोई लोन पेयर या कुछ भी नहीं है। अब देखो प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा होगा, हाइपर वैलेंट। तो PCl5 भी हाइपर वैलेंट है और SF6 भी क्या है, हाइपर वैलेंट है। अच्छा एक बात ध्यान देना, अगर मान लो कि दोनों ही ऑप्शन में है, लेकिन आपको एक आपसे पूछा गया कि हाइपर वैलेंट कौन सा है,
अब ये चारों ऑप्शन में दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, आपको एक ही टिक करना है। तो भाई जिसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ना उस पे टिक करना है, क्योंकि इन दोनों में भी हाइपर कौन सा होगा ये, क्योंकि इसमें तो इससे भी ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे केस में फिर आपको किस पर टिक करना है, जिसमें सबसे ज्यादा आ रहा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्या, जैसे NH3 लिया, NH3 देखो नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन पर तीन बॉन्ड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं ना, 5 में से 3 तो गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर है। तो देखो 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2, 4, 6 और 2, 8, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, है ना, देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो मेरे हिसाब से हाइपर वैलेंट हाइपो वैलेंट इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। देखो प्रॉब्लम शीट 3 निकाला, प्रॉब्लम शीट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम शीट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, Among the following, an example of hypervalent species. ध्यान देना, Among the following, an example of hypervalent species. आपको hypervalent बताना है ना? Hypervalent. देखो hypervalent option दे रखा है, A. A क्या दिया है? BF3OET2. ये दे रखा है। देखो BF3OET2 बी ऑप्शन दे रखा है, SF4 सी दे रखा है, देखो PF6 -1 और डी आपको दे रखा है SB2H3, ये दे रखा है, और आपको देखना इनमें से करेक्ट कौन सा होगा। देखो ये कर रखा है कि इधर वाला, सबने इधर वाला कर रखा है ना, कौन डाउट तो नहीं आता किसी को। देख इधर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे हाइपरवेलेंट पूछा है और ये ऑप्शन है, हाइपरवेलेंट चेक करने का तरीका बता दिया, बी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो हाइपरवेलेंट होगा, एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो फिर जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइपरवेलेंट होगा, ठीक है ना। अब देखो देखो मैं आपको पहले भी क्लियर बता चुका हूं कि अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं और चार ऑप्शन में से सपोज करो ए आपका आंसर है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बी सी डी आंसर क्यों नहीं है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सारे ऑप्शन चेक करना है एक बार। देखो BF3 की बात करें अपन, तो ये तो ये हो गया, BF3 को ऐसे लिख दो, और देखो OET ये हो गया, AT और ET ये यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और फ्लोरीन पर इस पर 3, ये हो गया बोरोन पर फ्लोरिन, ये है ना, और इसके पास जो एक लोन पेयर था इसमें काम में आ गया और एक लोन पेयर ये रहा, यही होगा। अब देखो आप जैसे इसकी भी अगर बात करते हैं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और एक इलेक्ट्रॉन तो ये काम में आ गया तो 2 ही काउंट होगा इसका, ऐसा थोड़ी कि आप इसको अलग काउंट कर लोगे फिर बॉन्ड का अलग काउंट कर लोगे, बॉन्ड तो इसी की वजह से बन रहा है ना। तो कितने हो गए, देखो कहने को बोले एक ही लोन पेयर शो कर दो, एक किस में आ गया काम में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनाने में, तो देखो 2, 4, 6 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, देखो 2, 4, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दोनों में काउंट किया जाता है तो इसके पास में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या हाइपरवेलेंट है, नहीं है, ए तो वही नहीं होगा। बी देखो, बी आपको दे रखा है SF4, देखो SF4 सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 में से 4 तो गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। अब देखो 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन हाइपरवेलेंट है, लेकिन बाकी भी चेक करो पहले, ठीक है ना। फिर देखो आप सी में देखो PF6-1 फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक और जोड़ दिया 6 में से, हां 6 बॉन्ड बनाने में गए, इसका मतलब 6 × 2 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये भी हाइपरवेलेंट है। फिर चेक कर लेते हैं और डी भी,
देखो डी क्या दे रखा है, एस बी टू एस थ्री, ठीक है ना, एस बी टू एस थ्री। देखो ये तो ये केस हो गया, तो एस बी प्लस थ्री प्लस थ्री एस माइनस टू, ये तो ये केस है। समझ में आ रहा है, कट आउट है क्या आता है? नहीं ना, ये तो सिंपल इसको फॉलो कर रहा है ना, मतलब आई ने का केस इस तरह से चलेंगे, कट आउट है क्या। अब अपन बात करें इसकी, तो देखो दो ऑप्शन ऐसे अपने पास जो हाइपरवेलेंट है, आपको एक पर टिक करना है, तो कौन सा आंसर होगा? ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप इस पर टिक कर सकते थे, समझ में ना, तो ये हाइपरवेलेंट होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, समझ में आ रहा है? तो देखो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कैसे क्वेश्चन नेट में थोड़ी पूछेंगे, ये क्वेश्चन नेट का ही है ना, नेट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नेट ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर लोअर स्टैंडर्ड से हायर स्टैंडर्ड तक के सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, केवल जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वही आते हैं, हर तरीके का क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन आए या नहीं आए, बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, अगर बेसिक नहीं आता तो भाई आप दूसरे क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करोगे? समझ में आ रहा है ना, करो इसको नोट। देखो